हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आरपी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रागेटिव प्रोनाउन। देखते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंट्रागेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन की जो मीनिंग होती है वह होती है आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई। इंट्रागेटिव प्रोनाउन की जो मीनिंग होती है वह होती है पी आर ओ एन ओ यू एन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन की अब जो हिंदी होती है वह हिंदी होती है प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होती है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंट्रागेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो लिखो दोस्तों परिभाषा। हम लिखते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन की परिभाषा। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे उसे इंट्रागेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे इंट्रागेटिव प्रोनाउन या प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने परिभाषा लिख दी दोस्तों इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? प्रश्न वाचक सर्वनाम। तो परिभाषा कन्फर्म है, वह प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे इंट्रागेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे हु आर यू, हु आर यू। तो प्रश्न पूछ रहे हैं हु आर यू, तुम कौन हो। हिंदी क्या होती है दोस्तों? तुम कौन हो। तो आपको परिभाषा क्या बताया हमने? वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे इंट्रागेटिव प्रोनाउन या प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल में हमने लिख दिया हु आर यू, तो प्रश्न पूछ रहे हैं तुम कौन हो। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे व्हाट इज योर दूसरा एग्जाम्पल कह रहे हैं व्हाट इज योर नेम। तो यह भी क्या कर रहे हैं? एक प्रश्न ही पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा
नाम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको समझना है जिस वाक्य में जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रोनाउन को हम इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? अगला एग्जांपल क्या है हमारा? विच इज योर पेन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यह क्या कर रहे हैं, एक प्रकार की क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे हिंदी क्या होती है इसकी? तुम्हारी तुम्हारी कलम कौन सी है? तुम्हारी कलम कौन सी है? आपको बता दिए गया पहले से ही परिभाषा इंट्रागेटिव प्रोनाउन की। वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? इंट्रागेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपको बताया हमने, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। तो क्या कर रहे हैं, एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं तुम कौन हो। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया, वाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। यह भी क्या किया जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है। देखते हैं जैसे हम देखते हैं जैसे आपको लिखा दिया गया हु और विच, हुम, इस प्रकार के वाक्य, किस कौन से वाक्य मनुष्य के लिए प्रयोग होते हैं और कौन से वाक्य निर्जीव के लिए प्रयोग होते हैं। देखते हैं जैसे हेडिंग बना लो प्रयोग, देखते हैं दोस्तों प्रयोग, हेडिंग आप क्या बनाएंगे? प्रयोग। प्रयोग में पहला हमारा क्या है? हु मीन्स क्या होता कौन या किसने, या इसका प्रयोग हम मनुष्यों के लिए। इसके बाद जो हमारा दूसरा है क्या है, वह है हुम। हुम की जो हिंदी होती है क्या होती है, क्या होती है वह, किसको और किसे। इसका प्रयोग भी हम मनुष्यों के लिए करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, हुज। हुज की जो हिंदी होती है क्या होती है, किसकी या किसके। इसका भी प्रयोग हम मनुष्यों के लिए करते हैं। इस प्रकार हमारा जो चौथा है क्या है, वह विच। विच मीन्स क्या होता है, कौन किन से। विच की हिंदी जो होती है क्या होता है, कौन या किन से। तो देखते हैं विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पशुओं वस्तुओं आदि के लिए हम क्या करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। पशुओं वस्तुओं आदि के लिए हम बीच का प्रयोग करते हैं। हमारा जो लास्ट है वह क्या है, पांचवा, वाट। वाट वाट की जो हिंदी होती है क्या होती है, क्या क्या होती है, क्या। वाट की हिंदी क्या होती है, क्या। तो हम वाट का प्रयोग किस प्रकार के वस्तु के लिए करते हैं, केवल 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 निर्जीव वस्तुओं के लिए वाट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हमने बताया आपको किस प्रकार के वाक्य के साथ हम अगर हु
हु रहेगा तो हम किसके लिए, मनुष्यों के लिए, अगर हुम रहेगा तो मनुष्यों के लिए, अगर हुज रहेगा तो व्यक्ति, यह भी मनुष्यों के लिए। लेकिन हमारे अगर वाक में, सेंटेंस में, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव प्रोनाउन में को जो जो सेंटेंस आपको दिया जाए, जैसे वाक एक दिया जाए, इंट्रागेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में अगर कोई वाक दिया रहे, वह किससे शुरू रहे, बिच से शुरू रहे, तो वह वाक में बिच किसके लिए प्रयोग होता है, पशु के लिए, वस्तु के लिए, और हमने क्या बताया, आदि। और जो हमारा लास्ट क्या था, वाट, वाट का, वाट की जो हिंदी होती है क्या, वाट का प्रयोग हम केवल इंट्रागेटिव प्रोनाउन के जो सेंटेंस रहेगा, केवल हम किस प्रकार के निर्जीव वस्तुओं के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आज हमने पढ़ा इंट्रागेटिव प्रोनाउन।